भेड़ चाल बोले तो वो बीमारी जिसमें इंसान खुद के लिए जो अच्छा है वो दूसरों की कलेक्शन एंड सिलेक्शन से अंधाधुंध अडॉप्ट कर लेता है। अब वो हेयर स्टाइल हो, क्लोथिंग हो, ट्रेंड्स हो। तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। अबे करियर तक में भेड़ चाल, पर अपना दिमाग यूज नहीं करते कि भाई अगले ने तो चलो किया सो किया, पर मुझे ये सूट करेगा भी या नहीं। नहीं। और पाकिस्तान में भेड़ चाल की बीमारी बहुत कॉमन है। ओए, ये तो मुसलियों का पुष्प है। गर्ल्स में देखे तो यूनिवर्सिटी में एक लड़की का बैग दूसरी को अच्छा लगेगा तो एक हफ्ते बाद 80% के पास सेम चीज। फिर क्लोथिंग में जो ट्रेंड्स आ जाए वो भी अडॉप्ट करने हैं, भावे नमूना लगना पड़े, पर ट्रेंड्स हैं तो मैं भी कर सकते। आई लव यू निशान। कूल लगने के चक्कर में ना माकूल लग रहे होते हैं। बॉयज में देखे तो कभी तेरे नाम बन जाते हैं तो कभी टाइगर बिस्किट। मेरे भाई को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, मैंने भी नहीं। गलत बात बर्दाश्त नहीं मुझे। अच्छा, तो कभी बॉडीगार्ड लवली सिंह। एक सिगरेट पी रहा होगा तो दूसरा ट्राई कर लेता है और इसी चक्कर में चर्सी बन जाएगा। बिलाल यूके जा रहा है, मैं भी चला जाता हूँ। नोइंग के चादर से पैर बाहर हैं पर नहीं। फिर पेरेंट्स रही से ही कसर पूरी कर रहे होते हैं कि शुगुप्ता का लड़का डॉक्टर बन रहा है, मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा। इट्स नथिंग रॉन्ग इन फॉलोइंग ट्रेंड्स, बट दिमाग भी यूज करें कि जो दूसरों की देखा देखी मैं अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ वो मेरी शक्ल, जिस्मानत, लाइफस्टाइल और फाइनेंसिस को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। दूजे दा मुंह लाल तक के खुद नु चंडानी मारी दा। क्या समझे? कमेंट कर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर फॉलो बुर्का बाजी, यहाँ सब चलेगा।